शिखर तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ते ही राजनीतिक गलियारों में जोरदार हलचल मच गई है, नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ईडी और सीबीआई से डराकर विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है कि सपा गठबंधन को मजबूत करेगा और भाजपा को हराने का काम करेगा। उन्होंने कहा है कि देश में इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि भाजपा ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। शनिवार को एक निजी कार्यक्रम में पहुंचकर शिवपाल ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि देश में INDIA मजबूत हो रहा है, गठबंधन से सपा ही भाजपा को अब पराजित करेगी। वहीं मायावती के गठबंधन में शामिल होने को लेकर उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि अभी उनकी बात ना ही की जाए तो बेहतर है। भाजपा के लोग सपा के समर्थकों के नाम मतदाता सूची से कटवा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि INDIA गठबंधन एकजुट है, सभी दलों से बातचीत हो चुकी है और सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आप इंतजार कीजिए। गणतंत्र दिवस पर जिला सहकारी बैंक में झंडारोपण के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के बाद ज्ञानवापी को लेकर जब ASI की रिपोर्ट पर उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि अभी न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वो उन्हें स्वीकार होगा। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव BJP पर लगातार आरोप लगाते रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, चीन ने देश की भूमि पर कब्जा कर लिया है, देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और सरकार में बैठे लोग झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव के इन बयानों से इंडिया गठबंधन के मजबूत होने की बात से अब तो ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावना कम नहीं है। खैर अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।